अच्छा नोमी, वैसे ही बात बताएं कि ये जो फिटनेस ट्रेनिंग करते भी हैं खासतौर पे, इन्हें अपनी डाइट को बड़ा रोक के रखना पड़ता है, तो ऐसा है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो एक अलग फेज़ है, बॉडी बिल्डिंग का फेज़ है वो। अगर आपने कोई गोल बनाया हुआ है या आपका कोई कॉम्पिटिशन, जैसे स्पोर्ट्समैन जो लड़के हैं उनके कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, तो उसमें कुछ टाइम के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद जब डाइट वो अपनी ऑन करते हैं तो फिर आप सब खा सकते हैं। आपके सामने मैंने भी अभी सब कुछ खाया। तो यही होता है कि वो एक फ़ेज़ होता है जिसमें बॉडी लीन करना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है कि हम ना खाएं वो चीज़ें, जैसे सोडियम रोकते हैं, शुगर रोकते हैं, कार्ब्स रोकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी। ये कॉम्पिटिशन पे वैसे वो उस लेवल पे, तो ये जो इतने सारे हमने, बल्कि मैंने देखा भी है, खाए भी हैं, ये इतने सारे उबले अंडे कह देते हैं बगैर सर्दी के खाओ, ये कितने कितने खा लेते हैं आप, कितने खा लेते हैं? हम तो 18-24 एक दिन में। जी बिल्कुल, सारा बजट तो वहीं चले जाता होगा। अच्छा एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ जिम्स में, जैसे आपने बताया कि आपके जो जिम है उसमें डॉक्टर बैठता है, बहुत से ऐसे जिम है कि बस उनको कोई आइडिया नहीं है और उन्होंने जिम खोल लिया मनी मेकिंग के लिए और खोल के बैठ गए, ये कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि गलत है कि भाई अगर आपको आइडिया ही नहीं है, एक फील्ड से आपका ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ आपने मनी मेकिंग के लिए जो है वो खोल लिया? और डॉक्टर्स तो मैंने बहुत कम जिम्स में देखा। देखिए ऐसा है कि जितने जिम कराची में खुलते हैं उससे कई ज़्यादा बंद होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, जैसे कोई नए लड़के होते हैं शौक शौक में अपना जिम खोल लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है। अब क्लाइंट भी आपका एम्बियंस देख के कुछ टाइम तक आएगा, लेकिन ज़ाहिर है उसको जब कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी तो फिर वो भी किसी और जिम स्विच करेगा। तो जितने जिम खुलते हैं बंद होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि हम पाकिस्तान में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको इनकी देख रेख करें, इनको कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस। जी बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और होती है जो हम कहते हैं कि जी लाइट वेट मारने से बॉडी में कट्स आते हैं और हैवी वेट मारने से बॉडी हैवी होती है, ये हर कोई कहता है, ऐसा है? देखिए मिथ्स हैं ये बहुत सारी, कि किसी का जो दिल करता है वो कह देता है, मतलब ऐसी कई ऐसी बातें जो मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को लेके बहुत सारी बातें हैं, तो वो बेकार की बातें। आप अपनी रिसर्च करें, आपकी रिसर्च क्या है? मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, सर्च करता हूँ गूगल पे, बहुत सारी चीज़ें फिर उनको एक जगह जमा करता हूँ, फिर अपने जो मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे मैं कंसल्ट करता हूँ कि यार ये ऐसा है या नहीं है, फिर वो मुझे उसकी गहराइयों तक बताते हैं कि भाई ये इस तरह नहीं, ऐसे है, वैसे है, जो भी होता है, तो एक हेल्दी डिस्कशन होता रहता है मेरा। तो ये कुछ नहीं है कि जी अगर आपने बॉडी पे कटिंग लानी है तो आप लाइट वेट मारते हैं, ऐसा नहीं है, 50-50 रैप्स लगा ले, और हैवी करनी है तो ज़्यादा लगा ले। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी के, आपकी बॉडी की टाइप क्या है, आप किस फेज़ में हैं, आप कब से डाइट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, आपको कितनी कटिंग चाहिए। अब वही बात दोबारा वहीं आ जाती है कि आपका कोच ये डिसाइड करेगा, जो कि आपको कोई कंपटीशन लड़वा रहे हैं, जो भी आपका गोल है वहाँ तक ले जाने के लिए। अच्छा ये बोन्स का भी एक बड़ा रोल होता है कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग है। कुछ लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और मैं उनको देखता हूँ वो पूरी जान लगा रहे होते हैं, 60-60 kg, 70-70 kg उठा रहे होते हैं, ये कितना नुकसानदेह होता है बोन्स के लिए? देखिए कैल्शियम की तो कमी, अब बोन्स की भी आप सही कह रहे हैं, कैल्शियम की भी कमी होती है, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन की कमी होती है, जो कार्ब्स की कमी होती है, जो लोग, अब जाहिर है आपको अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट नहीं पता कि मैंने लेना क्या है, तो फिर आप आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? आप तो 2 kg, 3 kg, 4 kg का वेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को एक चीज़ की नीड है और वो पूरी आप कर नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें जो सबसे पहले कोच डिसाइड करता है नॉर्मली कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हमारे यहाँ ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बेचारे बिगनर्स आते हैं वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते। ऐसा ही है, हमारे यहाँ सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे उस्ताद ने हमें करवाया वो हम आगे लड़कों को करवाएंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, कोई रिसर्च नहीं है, नथिंग। अच्छा ये जो एक बड़ा वो फैशन हो गया कि जी सिक्स पैक, ये कितने टाइम में आ जाते हैं? वैसे ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है पूछने का, सिक्स पैक कितने टाइम में आता है और उसके लिए डाइट क्या होती है? ये तो आप पे डिपेंड करते हैं, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने आ जाएंगे सिक्स पैक, तो उसमें डाइट पर बहुत टफ होती है? डाइट भी टफ होती है, ट्रेनिंग टफ होती है, बहुत सारी हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस, हुई आपने हर चीज़ पे एक बैलेंसिंग रखनी होती है, मुंह पे कंट्रोल करना है, आप सबसे पहले तो आपने डिसिप्लिन होना है कि आपने इस टाइम पे जिम आना है, इस टाइम पे आपने कार्डियो करना है, इस टाइम पे आपने डाइट लेनी है। अब डाइट के भी अलग अलग टाइम्स होते हैं, जैसे हम लोग अगर लीन साइकिल पे या कॉम्पिटिशन के टाइम पर हम लोग जब करते हैं तो फिर हर 3 घंटे, हर 2 घंटे में कोई ना कोई डाइट होती है, कुछ ना कुछ होता है कि इतना हमें कैलकुलेटेड खाना है, कैलकुलेटेड डाइट होगा। जितने भी फिटनेस के वो होते हैं ना, फ्रीक्स होते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी फैमिलियाँ बड़ी परेशान रहती हैं। आप यकीन माने, इनके भाई भी जो हैं वो भी, अभी मिस्टर कराची का आपने बताया टाइटल विन किया है, आपने कभी अपने भाई के लिए कभी कुछ बनाया है ऐसा?
वो उसका फूड ऐसा होता है ना कि मेरा खुद दिल नहीं कर रहा होता बनाने का. बॉइल्ड चिकन कुछ भी नहीं है, राइस नॉर्मल प्लेन राइस ऐसे खा रहा होता है, दिल भी नहीं करता. अम्मी कभी बोलती है कि बेटा क्या क्या बनवा रहे हो? हाँ, उसका अलग से खाना बनता है. मम्मी बनाती है? हाँ, वो हम लोग खुद ही बनाते हैं. क्या करना है? जितनी मजबूरी इनके चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि जितने भी होते हैं ना इनके घर वाले बड़ा इनसे परेशान रहते हैं, क्योंकि वो खाना हम लोग मतलब हम तो खा लेंगे चले थोड़ा बहुत, और वो खवातीन को तो पसंद ही नहीं आएगा बिल्कुल कि क्या है, और फिर बनाना भी पड़ता है.